आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबतें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। पीएमएलए कोर्ट ने उनकी ईडी की हिरासत 3 दिन और बढ़ा दी है। ईडी उन्हें अपनी हिरासत में रखकर उनका सामना सचिन बांजे से करवाना चाहती है। शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय के विशेष अधिवक्ता श्री राम सिरसाठ ने पीएमएलए कोर्ट को बताया कि मुंबई पुलिस का बर्खास्त एपीआई सचिन बांजे शनिवार तक वसूली के एक मामले में मुंबई पुलिस की हिरासत में है। प्रवर्तन निदेशालय ने उसे अपनी हिरासत में लेने का आवेदन कर रखा है। वह उसे अनिल देशमुख के सामने बैठ कर पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि देशमुख कई बातों का गोलमोल जवाब दे रही है। सचिन बांजे इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने सचिन बांजे को ही अपने सरकारी आवास पर बुलाकर उसे मुंबई के बारों व रेस्टोरेंट से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। खुद सचिन बांजे भी विशेष एनआईए कोर्ट को लिखे अपने पत्र में अनिल देशमुख पर लगे इन आरोपों की पुष्टि कर चुका है। इंडिया फर्स्ट डिजिटल टीवी मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज। ताजा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए YouTube पर सर्च करें एनएमटी न्यूज। एनएमटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, ठाणे की ताजा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर।